हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ। सो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब कोई बहुत 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 अच्छे होंगे एंड सेफ भी होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वैक्सिंग के ऊपर होने वाला है। मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि एंड बताने वाली हूँ कि आप घर पे बैठ कर ही अपना वैक्सिंग कैसे कर सकते हो एंड वैक्स भी कैसे घर पर ही बना सकते हो। सो गाइस, इसके लिए आपको पार्लर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है एंड आपको 800-900 हज़ार रुपये पार्लर में देने का भी जरूरत नहीं है। जस्ट आपको विदाउट एनी कॉस्ट ही आप अपने घर पे वैक्सिंग कर सकते हो एंड वो भी पार्लर में जैसे करते हैं एकदम क्लीन से, वैसे ही सेम टू सेम आप घर पर ही कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको करके बताऊंगी कि कैसा निकलता है, कैसा आपको करना है, कैसा वैक्स बनाना है, क्या क्या चीज आपको ध्यान देना है बनाते समय। मैं सब चीज इस वीडियो में आज कवर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे दो तरह का वैक्स शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक हार्ड वैक्स है एंड सॉफ्ट वैक्स है। तो इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप एक ही वैक्स से दो तरह का वैक्स कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, कैसे आपको करना है जानने के लिए चलिए देखते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, वैक्स बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा सा लेमन जूस एंड 1/4 से थोड़ा सा कम पानी एंड एक कटोरी चीनी एंड ऐसा एक नाइफ चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपके पास ऐसा नहीं होगा तो आप नॉर्मल नाइफ भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आपको इस तरह का एक बाउल ले लेना है एंड देन उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे एंड उसके बाद शुगर ऐड कर देंगे फ्रेंड्स एंड देन लेमन जूस ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, वहाँ से जाना नहीं है कोई जगह। पहले पहले देखिए ये वाइट कलर दिखेगा, आपको डरना नहीं है। थोड़े देर बाद में आपका ब्राउनिश कलर का लगेगा। इसमें आपको अगर लगता है थोड़ा सा चीनी कम हो गया है तो आप चीनी ऐड कर सकते हो, कुछ भी मेजरमेंट नहीं है इसका एक्यूरेट। तो फ्रेंड देखिए, आप लोग इस तरह सा पतला सा जब हो जाएगा तब आप इसको निकाल लेना है कटोरी में। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मेरा वैक्स बन गया है, कुछ इस तरीके से दिखता है एकदम पतला सा। तो इससे एकदम बन जाएगा दोनों वैक्स। सो फ्रेंड्स, पहले मैं हाथ में कर लूँगी, आप लोग देख सकते हो। देखिए मेरे हाथ पे कितना हेयर्स है, मैं कुछ नहीं की हूँ बहुत दिन से क्योंकि मुझे करके दिखाना था आप लोगों को। सो फ्रेंड, जब भी आप वैक्स करते हो तो आपको ज़रूरी है चेक कर लेना कितना गर्म है कितना ठंडा है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके लगाना है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपको अप्लाई करना, थोड़ा मोटा लेयर के साथ आपको अप्लाई करना है, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, पहले मैं हार्ड वैक्स आपको बता रही हूँ। उस हार्ड वैक्स करने के लिए देखिए, आपको थोड़ा सा मोटा से लगा के आपको ऐसे प्रेस कर देना है थोड़ा ठंडा होने के बाद। एंड उसके बाद ये देखिए, सामने से रोल करके उसके बाद आपको हाथ से ही निकाल सकते हो आप। आपको यहाँ पे कुछ भी यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, स्ट्राइप्स वगैरह। देखिए ये देखिए, उसके बाद ये भी निकाल दूँगी, आप लोग देख सकते हो कितना इजी तरीके से निकल जाएगा हेयर्स के साथ। ये देखिए कितना क्लीन लग रहा है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हेयर्स। सो फ्रेंड्स, मैं अभी हाथ में कर लूँगी, ये देखिए आप लोग हेयर्स दिख रहा होगा आपको। सो फ्रेंड्स, आपको हमेशा चेक कर लेना है एंड आपको जब भी आप वैक्स लगाते हो तब भी आपको कंटिन्यूसली आपको फूकते रहना है ताकि आपको हीट का जो महसूस ना हो। सो फ्रेंड्स, जब भी आप हार्ड वैक्स करना चाहते हो लेयर को थोड़ा सा मोटा रखिएगा ताकि निकालते समय ईजी हो। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ से ऐसे धीरे धीरे करके रोल करना है आपको एंड उसके बाद जो भी साइड आपका हेयर ग्रोथ है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको खींचना है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से, तो एक ही बार में आपका निकल जाएगा फ्रेंड्स। अगर थोड़ा कुछ रह भी गया तो आप बाद में निकाल सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी मैं लेग में कर लूँगी, आप लोग देख सकते हो कितना हेयर ग्रोथ हो गया क्योंकि मैं 3 महीना से कुछ नहीं की हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को करके दिखाना था एकदम रिजल्ट। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं अभी सॉफ्ट वैक्स करने वाली हूँ, नॉर्मल सा जो पार्लर में करते हैं वैसे करने वाली हूँ, इसीलिए इस लेयर को मैं थोड़ा सा पतला ही रखूँगी, आप लोग देख सकते हो देखिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जीन्स का क्लॉथ ले ली हूँ, छोटा छोटा करके कट कर ली हूँ पीसेस में। तो इसको अभी मैं देखिए ऐसे करके डाल दूँगी एंड उसको अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से रब कर लेना है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आपको रब करके अपोजिट डायरेक्शन में एक ही झटका में खींच देना है। ये देखिए आप लोग देख सकते हो इंस्टेंट रिजल्ट कितना क्लीन लग रहा है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हेयर्स एकदम लग रहा है ना पार्लर जैसे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं हाथ में नॉर्मल वैक्स करके दिखाऊंगी जीन्स का कपड़ा के साथ। सो फ्रेंड्स, सेम उसी तरीके से ही आपको कर लेना है, ये देखिए रब कर लेना है अच्छी तरीके से एंड उसके बाद आपको खींच लेना है
आप रिजल्ट देख सकते हो फ्रेंड्स। एंड उसके बाद जब भी आप वैक्स करते हो तब आप एलोवेरा जेल या तो लोशन कुछ भी आपके पास हो अप्लाई ज़रूर से कीजिएगा। सो फ्रेंड्स इसे अप्लाई करने से आपको रेडनेस नहीं होगी एंड ईचिंग वगैरह भी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कितना क्लीन लग रहा है। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो मैं सारा वैक्स ख़त्म कर दी हूँ। यहाँ पे देखिए हेयर्स, देखिए देखिए आप लोग देख सकते हो। सो फ्रेंड ये देखिए लास्ट में रिजल्ट कितना क्लीन लग रहा है, एकदम पार्लर जैसे लग रहा है। ये तो हो गया हाथ का एंड ये देखिए आप लोग पैर में देख सकते हो एकदम क्लीन लग रहा है, एकदम पार्लर जैसे। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर जरूर से करिएगा फ्रेंड्स। एंड साथ ही साथ बेल बटन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिले। सो फ्रेंड्स टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।